और घूंघट की ओट में करना चाहवे दीदा दीदा, कि जब मैं देखूं अपने हवले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, कि जब देखी रहमत तेरी ओ साड़ी बल्ले बल्ले बल्ले। इसीलिए तो कहते हैं कि तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, कि जिसको बना दे श्याम बिगड़ने नहीं देते। और इतना कहना है कि हमने अपना नियम बनाया तेरे खाटू में आने का, ओए श्याम तेरा का कोई फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का। और कहना है कि मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर भी आया जाया करो जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बोलो खाटू नरेश की जय हो। अच्छा आपको लाइन अच्छी लगी, थोड़ी बहुत समझ में आया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं किसके दरबार में या तो रहमत आसानी से नहीं होती और जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाए तो वो हाथ फिर दोबारा नहीं उठता। इसीलिए तो कहते हैं कि हे बाबा तेरे दरबार में जो आता है वो कोई ना कोई कामना रखता है कि हमें अगर ये चीज मिल गई देन तेरा जगराता होगा, अदरवाइज बाबा अपने घर और हम अपने घर। तो मेरे जैसी जाटड़ी थी और बाबा को कहने लगी क्या, यार नरम नरम लाई घाल गरम एक काना माखन रोट में और श्याम जिमावे जाटड़ी एक घूंघट की। ओ, 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 कितने अच्छे भक्त है, मेरे गाने से पहले ही बोल दिया। बोलो सच्चे दरबार की खाटू नरेश की। और गुरु जी थोड़ा बढ़िया सा रिदम लेके आ जाओ। हेर नरम नरम लाई घाल गरम कनम खन रोट में, नरम नरम लाई घाल गरम कनम खन रोट में, श्याम जिमावे जाटड़ी घूंघट की ओट में, श्याम जिमावे जाटड़ी घूंघट की ओट में, कहती है कि दे दो हाथों में हाथ और ताउम्र का सौदा कर ले। अरे थोड़ी सी मोहब्बत तुम कर लो और थोड़ी सी मोहब्बत हम कर ले। कर लीजिए बाबा से आंखें चार, ऐसा टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 घना
हंसते विष के प्याले को पी लिया। कौन थी वो? मीरा भाई। अच्छे समझदार श्रोता भी है, नाम भी पता है, वरना आज की जेनरेशन में भक्तों का नाम कोई याद नहीं रखता। बड़ा बड़ा शुक्रिया। मीरा जी ने हंसते हंसते विष के प्याले को पी लिया। विश्वास था कि मेरा कन्हैया आएगा, और वो कन्हैया आया और विष के प्याले को अमृत बना दिया। बोले सावरे सरकार की हो। जाटनी कहती, बोले बाबा जी मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं मीरा ना हो जाऊं। वैसे तो मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं, बट फिर भी कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है। कैसा लगता है? क्या कहती बाबा जी को? जय हो। अरे डर लगे मन सांवरे, समझ में आना चाहिए। मीठा मीठा बोलो। डर लगे मन सांवरे, कदम मीरा ना हो जाऊं मैं। आशीर्वाद मेरे साथ होता है, और क्योंकि मैं उनकी कंपनी के थ्रू काम करती हूं तो 501 रुपए अंकल जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और अगर मेरा भजन भी अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे लिए भी बजा दो जोरदार तालियां। इसका मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर जो बाबा के सामने खड़े, मैं उनको देख देख के गा रही हूं, आप हट हो सामने से, तभी तो मूड बनेगा जब बाबा दिखेंगे। 1 2 3 और बता दिया। सागर धरे नित्य ध्यान तेरा, तू रहियो सपोर्ट में। सागर धरे नित्य ध्यान तेरा, तू रहियो सपोर्ट में।